देखिए, चुनाव तो अपने आप में एक चुनौती है, उससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता। तो और प्रजातंत्र में तो चुनाव होंगे ही, तो इससे पीछे हटने या डरने जैसी कोई बात नहीं है, इसे तो मुकाबला करने की बात है। तो ये चुनौती है तो स्वीकार है। पर क्या कहीं ये लगता है कि यहाँ पे जैसे कल भी एक रैली में संतोष पांडे जी और सीएम जी ने साथ में रैली की, जिसमें कहा कि कांग्रेस एंटी सनातन है, ये सारी बातें की जाती हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप इन बयानों को? देखिए, उसके सर्टिफिकेट देने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये पूछता हूँ, यदि आप गौ भक्त हैं, आप सनातनी हैं, तो गौ मास के जो निर्यातक हैं उससे आपने 250 करोड़ रुपये चंदा लिया। मतलब ये जो झंडे और बैनर लगे हैं भाजपा के, उसी गौ मास के निर्यातक के चंदे से आपका बना है, तो फिर आपका आइडियोलॉजी कहाँ है? आप तो केवल ये धर्म के नाम से आप वोट लेना चाहते हैं। आपको पावर और पैसे से मतलब है, धर्म से मतलब नहीं है। यदि आप सच में धार्मिक होते तो कम से कम ये गौ मास के निर्यातक से पैसा नहीं लेते हैं, गौ मास बेचने वाले से पैसा नहीं लेते। क्या आपको निश्चित है कि ये सीट इस बार राजनांदगांव की भूपेश बघेल के झोली में आएगी? निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी, सारे लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं और भारी अंतर से जीतेंगे। क्या मुद्दे जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि 5 साल हम लोगों ने जो काम किया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने, उसका लाभ हमको लोकसभा चुनाव मिल रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी, और जब नहीं बनी तो लोग ठगा हुआ महसूस किए, लगा कि हमसे कहीं चूक हो गई, और सबके जीवन स्तर में बड़ा बदलाव पिछले 5 वर्षों हुआ। अभी विष्णुदेव साय जब से मुख्यमंत्री बने, तब से जो योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा था वो लगातार छीनने का काम कर रहे हैं। अब गोधन न्याय योजना बंद हो गया, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना बंद हो गया, राजी किसान न्याय योजना बंद हो गया, और बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया। तो सारी योजनाएं जिससे लोगों को सीधा लाभ मिलता था, लाखों लोगों को मिलता था, वो सब एक झटके से आपने बंद कर दिया। जो सार्वभौम PDS सिस्टम था, जिसमें प्रति परिवार 35 किलो राशन मिलता था और 1 किलो नमक मिलता था, और आदिवासी अंचलों में ये 2 किलो चना और 2 पैकेट नमक मिलता था, वो सबको आपने बंद कर दिया, प्रति व्यक्ति 5 किलो कर दिया। तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरी बात, आप व्यापम में, PSC में, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में आप फीस वसूल रहे हैं, तो नौजवानों में, बेरोजगारों में इसका बड़ा असर हो रहा है। जो पालक है उसमें इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, और लगातार आप छापे भी डाल रहे हैं और महंगाई भी बढ़ाते जा रहे हैं। और जो वादा आपने किया था 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने के, 18 लाख आवास का होर्डिंग आप पूरे प्रदेश में लगा लिए, लेकिन पूरे प्रदेश में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको आवास का लाभ मिला हो। तो ये मोदी जी की गारंटी देकर आपने लोगों को कुछ दिया नहीं, झुंझुना भी नहीं पकड़ाया। केवल 2 चीज़ें हुई है, 3100 रुपया जो धान का देने के बाद उन्होंने की थी, और वो भी पंचायतों में नगद देने के बाद की थी, वो तो हुआ भी नहीं। महिलाओं को 1000 रुपये सरकार बनते ही 5 महीने बीत गए, 2 महीने का पैसा दिया, 3 महीने का पैसा दिया नहीं। तो लोग देख रहे हैं कि हमारी सरकार में 2 घंटे के अंदर में किसानों को माफ हमने कर दिया था, 2500 रुपया दे दिया था, अब इस सरकार को 5 महीने लग रहे हैं। तो ये अंतर लोग महसूस कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात ये है, आज पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं, हर तबका इससे जूझ रहा है। तो ऐसे समय में कांग्रेस ने जो न्याय की बात कही है, नारी न्याय, 5 न्याय की बात कही है, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, भागीदारी न्याय, तो ये जो न्याय योजनाएं हैं वो लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। आपने मैनिफेस्टो का जिक्र किया कांग्रेस के, उसी पे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बयान भी दिया था, और एक बयान उनका मनमोहन सिंह जी के एक स्पीच को लेकर भी हाल में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनमोहन जी ने तब की UPA सरकार में कहा था कि
माइनॉरिटीज पर देश के रिसोर्सेज का सबसे पहले हक है। अब ये तो जितने बयान अभी लगातार आ रहे हैं, जिस प्रकार से मैनिफेस्टो आए और उसमें कहा मुस्लिम लीग के तर्ज पे कर रहे हैं, और अभी मनमोहन सिंह जी के जो बयान है उस पे कर रहे हैं, तो ये तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मोदी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मनमोहन सिंह जी के भाषण के एक टुकड़े का आप एक लाइन को उठा लेंगे, एक शब्द को उठा लेंगे, पूरा जो वाक्य उसत पढ़ो आप, उसमें तो उन्होंने सबके लिए कहा है और आप केवल एक वर्ग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ कहने कुछ नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं मुस्लिम लीग का उल्लेख तक नहीं है, मुस्लिम का। दूसरा कहीं मंगलसूत्र सबको, हिंदुओं को मंगलसूत्र लेके सबको वितरण करना है, ये उल्लेख नहीं है। तो ये तो मानसिक संतुलन बिगड़ने जैसी बात है। मतलब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है, तभी इस प्रकार से बातें करेंगे, अन्यथा कोई भी संतुलित व्यक्ति इस प्रकार से बात नहीं करेगा जो मोदी जी ने कही। इंडिया अलायंस, एक क्वेश्चन है, इंडिया अलायंस और मोदी जी, ये कहा जाता है कि मोदी वेव, पिछले 2014 और 2019 इलेक्शन, दोनों इलेक्शन में ये कहा गया कि मोदी वेव के कारण भाजपा जीती है, क्या आपको लगता है इस बार कोई ऐसी मोदी वेव है? देखिये, उस समय 2014 में ये हुआ था कि मनमोहन सिंह जी काम करने वाले प्रधानमंत्री थे, बोलते नहीं थे, तो लोगों ने कहा बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, तो ये कुछ ज्यादा ही बोलने लगे। और दूसरी बात, दूसरा जो इलेक्शन है वो मोदी जी पे नहीं था, वो आपके राष्ट्रीय भावना को, आपने कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पुलवामा नवी, उसको आपने भुनाया, यहाँ कहा कि एक वोट क्या उन नौजवानों के लिए, जवानों के नाम से नहीं हो सकता जो बात कही, तो ये मोदी जी के लिए नहीं था, वो तो देश के एकता और अखंडता वाली बात थी। अब वो मोदी सेंट्रिक कर लिया है, तीसरा जो इलेक्शन है, अब उसके कारण से उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिरी सवाल सर, भाजपा का 400 पार, क्या लगता है आपको? ये केवल, अब तो वो बोलना भी बंद कर दिए, शुरू में कहे थे 400 पार, अब तो खुद ही करें 300 मिल जाए तो बड़ी बात है, अब वो चर्चा होने लगी है प्रथम चरण के चुनाव के बाद, ये तो 200 में सिमट तो नहीं जाएंगे। स्थिति ये है, जो राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ से जो खबरें आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है। देश की जनता को कुछ कहेंगे? देश की जनता से यही कहूंगा कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है, संविधान हम सबको सुरक्षा प्रदान करती है, आज संविधान खतरे में है, और संविधान रहेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हम सब को अधिकार और सुरक्षा मिलेगा, और इस संविधान के लिए देश में हमारे नेताओं ने, इसी संविधान और लोकतंत्र के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे महापुरुषों ने शहादत और अपनी कुर्बानियां दी है, तो इसके बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा।